देखो, आज एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि हाउ टू मल्टीप्लाई टू यूनिट स्टेप फंक्शन एंड रैंप फंक्शन, यानी दो यूनिट स्टेप फंक्शन हो तो उनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, या दो रैंप सिग्नल हो तो उनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मुझे लगा इस पे वीडियो बनानी चाहिए। मैंने उसको रिप्लाई भी किया था कि इस पे वीडियो बनाऊंगा और शाम तक मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो मैं इस पे एक टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। इसके लिए मैं दो एग्जांपल लूंगा, दो यूनिट स्टेप के, दो रैंप के। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला, दो यूनिट स्टेप की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका, सबसे पहले तरीका उसका क्या कर रहे हो, या तो डेफिनेशन लिख लो या ग्राफ बना लो। तो हम इसकी क्या लिखते हैं, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। तो एक्स ऑफ टी, इसका इसकी वैल्यू टू यू ऑफ टी है। और इसको मैं दूसरी तरीके से लिखूं तो इसका मतलब क्या होगा, जब इसकी वैल्यू टी से ग्रेटर देन इक्वल जीरो होगी तब तक इसकी वैल्यू कितनी रहने वाली है, दो। तो इसकी वैल्यू रहने वाली है तब तक दो। जब टी से छोटी होगी ये वैल्यू तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो। ठीक है। सेकेंड सिग्नल वाई टी, इसके लिए बनाते हैं कंडीशन थ्री यू ऑफ टी माइनस फोर। अगेन जो भी अंदर लिखा होता है यू के, उसे जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो टी माइनस फोर, पता लगा लो कहां से कहां तक लगा रखनी है वो वाली जीरो, तो टी की जगह फोर आ जाएगा। यानी जब इसकी वैल्यू टी से की है चार या चार से बड़ी होगी तब इसकी वैल्यू कितने रहने वाली है, इसके सामने कितना, तीन। जब चार से छोटी होगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। अब क्या करो, इनको ग्राफिकली ड्रॉ कर लो। इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशंस का। पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन क्या कहती है हमारी एक्स ऑफ टी की, इसकी वैल्यू जब टी से जीरो या जीरो की इक्वल होगी तब इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, दो रहेगी हर एक पॉइंट पे। तो जीरो पे शुरू हुई तो इत कितनी रहने वाली है, दो रहने वाली है हर एक इसके लिए। ठीक है। तो ये हो गया एक्स ऑफ टी का ग्राफ, तो इसकी वैल्यू कितनी रहने वाली है, दो रहने वाली। नेक्स्ट बना करते हैं वाई टी का बनाओ। तो वाई टी की वैल्यू कितनी रहेगी, तीन रहेगी, जब चार से बड़ी वैल्यू होगी। तो चार चार पे आए हम यहाँ पे पहले। ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी रहने वाली है, तीन। तो इसकी वैल्यू कितनी रहने वाली है, तीन, इस तरह से। ठीक है। ग्राफ बनाने आते होंगे सबको, मैं ये मान के चल रहा हूँ। नहीं भी आते हैं तो समझ आ गया होगा। अब इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। ग्राफ बन गए, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें निकालनी है और एक्स टी इंटू वाई टी की वैल्यू कितनी होगी। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई का आंसर आएगा उसको नीचे बनाते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया जेड ऑफ टी, यानी एक्स टी मल्टीप्लाई बाय वाई ऑफ टी। तो मल्टीप्लाई करो, देखो जब तक इसकी वैल्यू चार से छोटी है तब तक इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो। तो इसके यहां तक चार से पहले तक इसकी वैल्यू कितनी है, दो है। इसकी यहां तक दो है। ठीक है। चार से पहले इसकी वैल्यू दो है, इसकी जीरो। तो दोनों ही मल्टीप्लाई करो, जीरो की पहले यहाँ पे चार लिख लो जहां तक है दोनों का कॉमन पॉइंट। ठीक है। तो दो की मल्टीप्लाई जब जीरो से करूंगा तो कितना आएगा आंसर, जीरो। तो यह आ जाएगा जीरो। ठीक है। तो जीरो का मतलब क्या है, यही एक्स एक्सिस पे। ठीक है। बस अब देखो, इसकी चार पे आके इसकी वैल्यू तीन है, इसकी चार पे आके वैल्यू दो है। तो चार पे आके जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का कितना आ जाएगा, दो की तीन में करेंगे कितना आ जाएगा, छह आ जाएगा। तो छह इतना हो गया मान लो, तो चार पे आके कितना आ गया, छह आ गया। ठीक है। अब आगे देखो, पांच पे इसकी दो होगी और पांच पे इसकी तीन होगी, यानी छह आने वाला। पांच पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इसकी पांच यहाँ होगा वैल्यू, अगेन इसकी दो रहने वाली है, और पांच इसका यहाँ होगा वैल्यू कितनी रहने वाली है, तीन। दो की तीन में करेंगे छह आएगा। ठीक
ठीक है, ऐसे छह पकड़ेंगे तो छह आएगा, इस तरह से हमेशा छह वैल्यू क्या रहने वाली है, छह रहने वाली है। तो ये आ गया हमारा जेड और टी का ग्राफ। यही चीज अगर तुम्हें सिग्नल की फॉर्म में लिखनी है तो कैसे लिख दोगे, ये चार पे इसका वो मिल रहा हमें, तो अगर मैं जेड ऑफ टी को लिखना चाहता हूँ वैसे कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना मिल रहा, छह का, ठीक है। और यू ऑफ कहाँ पे पोजिशन, चार पे, यानी टी माइनस फोर। तो ये हो गया आंसर इसका। इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं दो स्टेप फंक्शन की। चलो बढ़ते हैं आगे। इतना रैंप सिग्नल, रैंप सिग्नल देखो, रैंप भी आसान है। तो अब सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, क्या होती है डेफिनेशन, टू आर ऑफ टी क्या कहता है ये, इसके इसमें थोड़ा सा अलग है मामला। इसमें क्या है, जब इसके पहले आर के अंदर जो भी उसे जीरो के इक्वल पुट कर दो, तो जब इसकी वैल्यू टी की वैल्यू जीरो जीरो से बड़ी होगी तब क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, आगे वाला मल्टीप्लाई बाय जो अंदर है इसके, आगे वाला मल्टीप्लाई बाय जो अंदर है उसके, ठीक है। यानी कितनी होगी, टू इंटू टी, और टी जब इससे छोटी होगी वैल्यू तो हमेशा जीरो होगी, ठीक है। इस तरह से वाई टी की लिख देंगे डेफिनेशन, थ्री आर ऑफ टी माइनस दो। इसके लिए क्या करेंगे, पहले ब्रेकिंग पॉइंट फाइंड करो कहां से ये मतलब ये स्टार्ट होगा, जो भी अंदर लिखा उसे जीरो के इक्वल पुट कर दो, तो टी माइनस दो इजिकल्स टू टी माइनस टू इजिकल्स टू जीरो, यानी टी इक्वल्स टू टू। जब टी की वैल्यू क्या होगी, दो से ज्यादा होगी, तब उसकी वैल्यू कितनी रहने वाली है, जो उसके सामने लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय जो अंदर लिखा है। आई बात समझ, यही फर्क है यूटी और आरटी में। यूटी में बस बाहर का होता है उसको देखते हैं, बाकी का कोई मतलब नहीं। अंदर यहाँ पे क्या आएगा, आरटी में क्या होता है, जो अंदर वाली चीज होती है वो भी आती है। जब टी की वैल्यू अब दो से छोटे होगी तब इसकी वैल्यू जीरो होगी। आप क्या कर लो, या तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर लो फिर उसका ग्राफ बना देना, या फिर ग्राफ बना के दोनों ही मल्टीप्लाई कर लो, दोनों ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं भैया, या तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जेड टी जो है हमारा एक्स टी मल्टीप्लाई बाय वाई टी कितना आ जाएगा, ये क्या ध्यान से आप यहाँ पर देखनी है, जो उसकी लिमिट होती है ना उनको देखते हैं। ये टी ग्रेटर देन जीरो से, टी ग्रेटर देन टू से, तो ये वाला दूसरा वाला जो जब टी की वैल्यू दो से शुरू हो रहा, तो दो से पहले क्या रहा होगा, जीरो। तो इस जीरो की मल्टीप्लाई इससे जीरो तक, दो तक आने में क्या कर देगा, ये जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जब जेड टी होगा वो कहाँ शुरू होने वाला, जो ध्यान रखना जो बड़ी लिमिट होगी वहीं से शुरू होगा। तो यानी कहाँ से शुरू होगा, टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू से, बस मल्टीप्लाई कर दो इनकी, टू टी की मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो इससे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दो की तीन से करीब छह हो जाएगा, जगह छह टी टी माइनस दो, और जब टी की वैल्यू इससे छोटी होगी तो कितना हो जाएगा, वैल्यू जीरो, ठीक है। अब इसको ग्राफ नहीं कर सकते क्या, इसको ग्राफ करना बहुत आसान है, कैसे करेंगे ग्राफ इसको, ये अगर इसका और ज्यादा इसको सिंप्लीफाई करना, जेड टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड टी की डेफिनेशन मुझे आ चुकी है, सिक्स अंदर टी की मल्टीप्लाई कर दो, ये एक पैराबोला हो गया क्योंकि स्क्वायर आ गया है ना, टी स्क्वायर माइनस टू टी, ये क्या है पैराबोला, जब टी की वैल्यू दो से बड़ी है वहां से बनाना पैराबोला, टी की उससे छोटे के लिए जीरो है ही, तो इसका जब मैं ग्राफ बनाने जाता हूँ तो ये किस टाइप का मिलता है, पैराबोला बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहां से शुरू होगा, ये टू से, ठीक है, इससे पहले क्या रहने वाला, जीरो। तो टू पे इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, टू रख दो इसमें फंक्शन में जेड के में, तो चार माइनस चार जीरो, तो ये इस पर मिल गया। पहले मैं कुछ पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, दो तीन चार, ठीक है, ऐसे यहाँ पे कुछ पॉइंट मार्क कर लेंगे। तो दो पे कितने मिलने वाली वैल्यू, जीरो। तीन रखो इसमें कितना हो जाएगा, तीन, और सॉरी बाहर से आएगा, तीन का स्क्वायर माइनस दो इंटू तीन कितना हो जाएगा, नौ में से छह गए तो तीन, और ये कितना हो जाएगा, एटीन हो जाएगा, एटीन तो काफी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर इसको सिक्स का बनाऊं, बारह का, अठारह का, ठीक है,
थ्री में कितना आ जाएगा 18। अब देखो यहां से ये पैराबोला ऐसे, अगला पॉइंट आएगा कहीं ऊपर, चार रखोगे तो और ऊपर जाएगा, तो ये क्या आधा पैराबोला बनेगा। इसको अच्छे से बस ड्रॉ कर दो, यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करना मुश्किल है, ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा। ये पॉइंट कहीं इसकी शुद्ध में होगा, तो ये क्या होगा एक पैराबोला बनेगा, ठीक है। इसको थोड़ा मैं फिक्स करके बना देता हूँ अच्छे से, ये देखो मैंने फिक्स कर दिया इसको, इस टाइप से ये दिखेगा। तो मुझे लगता है ये जब पैराबोला बनाने वाली बात तो स्कूल वाली बात है, ठीक है। पैराबोला इसमें क्या करना, वर्ट साइडेड पैराबोला बनेगा, क्योंकि टी ये कहां से कहां तक एग्जिट कर रहा है हमारे फंक्शन, टी की वैल्यू जब 2 से बड़ी होगी। एक बार और ध्यान से देखो आरटी का मत, एक बार और दोबारा से समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। इस टाइप से होता है जब इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जब टी 0 से बड़ा होगा तब इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 2, और जो आर के अंदर लिखा हुआ 2t हो गया, और उस वाले फंक्शन से जब वैल्यू नीचे जाएगी तो वो 0 रहेगी। ऐसे यहाँ पे पहले t-2 को 0 के बराबर पुट करा, तो t की वैल्यू 2 आ गई, यानी 2 से जब बड़ा होगा तो आगे वाली चीज r से पहले मल्टीप्लाई हुआ जो उसके अंदर लिखा हुआ है, उससे पहले क्या रहेगी वैल्यू 0 आ गया। फिर जेड टी की दोनों ही मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ से ये 2 से शुरू हो रहा है, वो 0 से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये 2 से पहले क्या रहा होगा 0, तो 0 की मल्टीप्लाई जब तक 2 तक ये आएगा तो 0 ही देता रहेगा, दोनों मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो कहने मतलब है जो बड़ी वाली लिमिट होगी वहां से ही जो आंसर होगा उसकी लिमिट से शुरू होगी। आगे देखो फिर क्या क्या फिर क्या होगा, जब बस इनकी मल्टीप्लाई कर, तो 2t की 3t-2 से मल्टीप्लाई की, 2 की 3 से की 6 हो गया, ये t, फिर t-2, बाकी का तो 0 ही रहने वाला यहाँ पे। अब ये क्या टी इसके अंदर मल्टीप्लाई कर ली मैंने, टी की t²-2t बन जाएगा, ये क्या पैराबोला, पैराबोला। तो इसका इसका ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पहले अगर नहीं पता लग रहा कि पैराबोला कैसे, तो शुरू कर दो बस, पहले 2 रखो, 2 पर रखोगे तो 4-4 0 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 18 आ जाएगा, 4 रखोगे तो कितना आ जाएगा 16, और -8 8, 8 की 6 करेंगे 48 आ जाएगा, तो काफी ऊपर जाएगा। इस टाइप से क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ जाता रहेगा, ठीक है, एक पैराबोला की तरफ। इस तरह से क्या करते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं, तो ये हमारे हो गया जेड ऑफ टी का ग्राफ। ग्राफिकली लिखना, अगर वैसे लिखना तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने ऊपर दिया हुआ है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और दिक्कत है तो इसी टाइप से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो मैं वहाँ पे कमेंट में ही आंसर बता देता हूँ। अगर मुझे लगता है कि इस पर वीडियो बननी चाहिए तो मैं वीडियो बना देता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।